बहुत खुशी हो रही है ना, हमने परसों से पढ़ा है, जब से हमने सोचा है कि हम एक सारा बैग मतलब भागने की फुल तैयारी चल रही है। आपके साथ भी ऐसा होता है जब कहीं जाना होता है, मुंह भी खराब होता है, दाने भी तभी होते हैं। तो पहुंच गए हैं हम बस स्टेशन पे, क्योंकि हम सुबह से कुछ खा के नहीं आ रहे थे। तो गाइस कभी हमें यहाँ आने का मौका नहीं मिला है अभी तक। पहुँच गए हैं हम गाड़ी के यहाँ पे और ये किशन चाचा, और अब हमें यहाँ पे आयु भी लेने आ रखा है, और ये आयु भानु की गोद में जा रहा है, मेरी गोद में नहीं आ रहा। ना 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 ना, क्या हो गया क्या हो गया, बस फाड़ दे ले क्या यार। हे गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं दिव्या जला स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग पे। तो अभी जैसा कि अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग अभी रेडी नहीं हुए। मैंने कल के ब्लॉग में बताया ही था कि हम जा रहे हैं घर को, ये देखो फ़ोन पर लगी अभी भी। तो तैयार हो गए हैं सुबह से, मुँह हाथ धो करके, किचन विचन सब साफ करके हम हो गए हैं रेडी, और अब होते हैं तैयार घर को जाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है ना, हमने परसों से पढ़ा है, जब से हमने सोचा है कि हम एक को घर को जाएंगे तब से हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। तो अब घर ही जाके जो होगा, तो फिलहाल अब रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो गाइस आ गए हैं हम तैयार हो करके बन ठन के, और ये हमारा बैग मतलब भागने की फुल तैयारी चल रही है। तो आज आपको दिखाया जाएगा यहाँ से घर तक का सफ़र। और हमेशा आपके सामने ऐसा होता है जब कहीं जाना होता है, मुंह भी ख़राब होता है, दाने भी तभी होते हैं, और बाल भी ऐसे तभी होते हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ तो हमेशा का होता है। इसके बाल देखो कितने सेट हो रखे हैं, और मेरे देखो अभी थोड़ी देर में तो बोलेगी इसके बाल देखो मेरे देखो करके। तो कोई नहीं, आगे से लेते हैं ऑटो और आपको भी दिखाते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। एक सीट बुक हो रखी है, और यह है सुरभि कॉलोनी, और हम निकल गए हैं सुरभि कॉलोनी से आगे को। तो पहुंच गए हैं हम बस स्टेशन पे, रानीखेत वाली बस इधर को लगती है, और इधर को दिल्ली साइड वाली मेरी भी लगती क्योंकि लोकल बसें होती हैं ना। हाँ हाँ, इधर को रख लिया है हमने अपने बस के लिए, और इसको देखो ये अपने उल्टी ना होने के लिए हेडफोन तैयार रख रही है। कान नहीं हो रही तुम्हारे वहाँ के रोड में हो जाए क्या, हमने इस रोड पे कभी गई नहीं हो ना। हाँ, इसमें भी कुछ सीटें भरी हैं, मतलब हमारे वहाँ की लगी हुई है इसकी। अच्छा, अब हम खाते हैं चिप्स क्योंकि हम सुबह से कुछ खा के नहीं आ रहे थे। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। निकल गए हैं हल्द्वानी से, मतलब रोडवेज से आगे को निकल गए हैं। और ये देखो इसमें खा करके इतने पैकेट। हाँ मैंने खा के, तूने तो खाया नहीं होगा, सुबह सुबह झूठ बोल। तो गाइस मैंने कुछ नहीं खाया। गाइस बाल देखो कैसे हो गए, तो बोल के मेरे बाल सेट है, ये देखिए इसके भी उड़ रहे हैं, पर उतने नहीं उड़ रहे जितने मेरे उड़ रहे हैं। बाल होने भी तो चाहिए उड़ने के लिए, मेरे यार तेरी बात नहीं कर रही हूँ अपनी। उड़ रहे पर आगे के तो ना उड़ रहे हैं, ये सीट इतने पीछे है ना, मतलब कोई इंसान आराम से सो सकता है। भानु की सीट देखो और मेरी सीट देखो कितने पीछे है, सो जाओ मना सो जाते हैं। बाय मांगने आ रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वो हमारे पास किराया मांगने आए कंडक्टर। कहाँ पहुँचे होंगे, काठ गोदाम से थोड़ा ही आगे पहुँचे। अभी भवाली पे रुकी है गाड़ी, सब लोग बाहर गए हैं, हम दोनों बैठे हैं क्योंकि हमने अभी पहले का ही नहीं खाया है। ऊपर से पतंग पतंग गिरते रह रहे हो। गाइस कभी हमें
हमें यहाँ आने का मौका नहीं मिला है अभी तक, शायद हमारा बुलावा नहीं आया अभी। क्या अच्छी धाम मंदिर के दर्शन कर लो फ्री में। ये है रानीखेत का कॉलेज गधेरे में। वो देख कोई आ रहे हैं, कोई चप्पल। पहुंच गए हैं रानीखेत और दिखाते हैं आपको आगे। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रही हूँ मतलब। तो हमें ऊपर से नीचे जहाँ हमारी गाड़ियाँ हैं वहाँ तक पैदल जाना है, और इतना भारी बैग, मानो कि शक्ल ख़राब हो गई है, बेचारी थक गई है, हालत ख़राब है। तो अभी बहुत चलना है, अभी बहुत चलना है। मेरे घर पर मेरे भी रोड है, पर यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से रोड है, गाड़ी नहीं है। पहुँच गए हैं हम गाड़ी के यहाँ पे, और ये किशन चाचा, और अब जाते हैं हम खाना खाने के लिए ऊपर। तो आ गए हैं हम खाना खाने के लिए, अभी बन रहा है हमारा खाना। ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। खाना खाने के बाद और भी अजीब हो गया है, पर क्या खाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में, अभी सवारी नहीं आई है। तो पहुंच गए हम खियारी खाल पे। पे और किशन चाचा ने हमारे लिए लस्सी और ये जूस पी लिमका। हमें यहाँ पे आयु भी लेने आ रखा है, और ये आयु भानु की गोद में जा रहा है, मेरी गोद में नहीं आ रहा। हट, मैं नहीं बोल रही हूँ तेरे से। मुंह धो के आ जा पहले, मुंह धो के आ जा दीदी, मुंह धो के आओ। अरे दांत दिखा दे यार अपने, दांत दिखा दे यार अपने। काटने के लिए दे उंगली, ऐसा करके दे, काटेगा। जब मानू था उसने तो मेरी नाक इतनी काट दी ना, सीधा नाक पे ही काटता था। थोड़ा लड्डू, ओए इधर देख, कल्लो। पोड़े हाँ पैरा पेरा ही, और इधर देख, आयो बाबू, ये देखो पोज बना दे यार। हम अपने घर अब देखते हैं भानु, मेरा घर कौन सा है बता। आ गया थोड़ा बहुत समझ में इसको, चाची ये तीन हटा दे तो। ये देखो ये इसी के साथ रह रहे है। जैकू ने पहचान, जैकू काटता नहीं हो पागल। हो गया बस फाड़ दे ले क्या। तो पहुंच गए हैं हम घर। जेब में क्या रखा था रे मैंने, और बैग है, कुछ नहीं है हमारे पास। मम्मी अच्छा आजा भानो, गाड़ी आ गई, मैं बैग लेके आऊं। तो गैस पहुंच गए हैं रूम पे, अभी कपड़े नहीं बदले, हमारे कपड़े आए नहीं है, गाड़ी में ही हैं, तो खाली ऐसे घूम रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये बाहर की रहने वाली मैडम को आज हम अपना गांव घुमा रहे हैं, तो इसको मिट्टी लगेगी यहाँ। तो हम जा रहे हैं दुकान। अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैं व्लॉग घर आके व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि घर आके होता ही है कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, और घर वालों से थोड़ा गपशप, तो वही चल रही है। अभी दीदी भानु अंदर बैठे हैं, दीदी खाने की तैयारी कर रही है, और मैं आ गई हूँ थोड़ा आपको बाहर का मौसम दिखाने। आपको दिखाती हूँ मैं अपने गाँव का मौसम कैसा हो रहा है। आप ये देखो, जैकी का दरवाज़ा बंद है ना, तब तक यहीं पर रहेगा। आ जाको, इसके लिए बिस्तर लगा रखा है, पर इसके साथ जाना पड़ता है अंदर। चल जा, चल चल,
बस बंद कर दिया अब तेरे को। तो गांव का कुछ प्यारा सा मौसम इस प्रकार का है। तो गाइस अभी मैं और भानु जा रहे हैं नीचे बर्थडे पार्टी में। एक जगह से बर्थडे पार्टी का निमंत्रण आया है तो मैं भानु वहीं जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है वहाँ। तो गाइस जा रहे हैं हम बर्थडे में, आगे से अम्मा लोग भी जा रहे हैं और पीछे से मैं भानु भी लगे हैं केक खाने के लिए। हमने सोचा था डीजे लगेगा पर जो भी होगा आपको भी दिखाते हैं बर्थडे में कैसा रहता है। फर्स्ट बर्थडे है बच्चे का तो इसलिए ज़्यादा दूर तक निमंत्रण दिया है। हम खेत से कूद कूद के आ रहे हैं। कबू देखते इधर को, हाय कर, हाय कर। तो ये है बर्थडे बॉय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. तो गाइस मैं भानु आ गए हैं बर्थडे में से और खाना भी हम वहीं से खा के आए थे, घर वालों ने भी खा लिया है। आई थिंक वीडियो सही बन रही होगी पर मैं उल्टे कैमरे से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लाइट का कम हो रहा है ना, तो इस वजह से उल्टे कैमरे से बना रही हूँ। तो अभी मैं सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।